वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। हम लोग अपना बायोलॉजी में चैप्टर थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पे शुरू किया था। हमने कल अपने सिक्स लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड्स दो चीज़ें मिलके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करती हैं। इसमें से एलिमेंट्री कैनाल हमारी बकल कैविटी शुरू होती, तो हमने बताया था कि बकल कैविटी जब हम खाना शुरू करते हैं तो जो हमारी बकल कैविटी में जो हमारे सेट ऑफ टीथ है वो उसको चबाने का काम करती है। उसके बारे में हमने आपको टीथ का स्ट्रक्चर भी बताया था और उनकी टाइप्स भी बताए थे, कैनाइन, इनसाइजर, प्री मोलर और मोलर। और ये भी बताया था कि दो तरह के, यानी मिल्क टीथ बचपन में और उसके बाद परमानेंट टीथ उसके बाद उनके गिरने के बाद, यानी जब ये मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ जो कि 20 होते हैं नंबर में गिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो इनकी जगह नए दांत निकल आते हैं जो तादाद में नंबर में 32 होते हैं, 16 टीथ इन ईच जॉ। इसमें इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स शामिल हैं। ये खाने को अच्छी तरह से चबा कर बारीक कर देती हैं और फिर ये बारीक खाना जो है दाखिल होता है इसोफेगस में, जिसको फूड पाइप कहते हैं। एक लंबी ट्यूब है जो गले से होकर उतरती हुई स्टमक तक आती है, तो स्टमक में ये पहुंच जाती है। तो एक लंबी ट्यूब से गुजर कर खाना स्टमक में पहुंचता है। स्टमक एक बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर है और स्टमक में खाना जब पहुँचता है तो डाइजेशन जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कम से कम 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर खाना रुकता है और उसका डाइजेशन होता है विद दी हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, उनका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद स्टमक के बाद एक पतली ट्यूब शुरू होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो एकदम स्टमक से जुड़ा रहता है एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, हमने डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर में, और इसको कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद एक लंबी ट्यूब है 4-5 मीटर लंबी, जो ये ट्यूब जो है जेजुनम कहलाती है, JEJUNUM जेजुनम। और फिर इसके आखिर में थोड़ा सा फैला हुआ हिस्सा है जो इलियम कहलाता है। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन हिस्से। उसके बाद शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है सीकम, दूसरा हिस्सा है कोलन और तीसरा हिस्सा है रेक्टम। तो हमने आपको बताया था कल, हमने डायग्राम बनाया था कि सीकम कहाँ पर है और उसके बाद कोलन शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और कोलन में जो सबसे पहला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ चलता है, असेंडिंग कोलन कहलाता है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन है, और डिसेंडिंग कोलन के लास्ट में फिर रेक्टम जुड़ा होता है, एक बड़ा और ज़्यादा बड़ा डायमीटर का ट्यूब है। और उसके बाद ये रेक्टम जो है ये एनएस के जरिए जिसमें बाहर होता है, यानी यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा रेक्टम। रेक्टम में बचा खुचा जितना भी वाटर है जो हमारे फीकल मैटर के साथ वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो बिल्कुल बेकार चीज़ें वेस्ट जिनको कहना चाहिए वो एनएस के जरिए बाहर निकल दिया। ये पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कहला रही, बल्कि वो अपने डायमीटर के 2 से 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, पतली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा डायमीटर है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नेम जो दिए गए इट इज बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर, नॉट लेंथ। लेंथ तो लार्ज इंटेस्टाइन की कम है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये डायमीटर की वजह से इनको नाम दिए गए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बाद जो एक्सेसरी ग्लैंड है उनमें शामिल है लिवर। पहले सबसे तो सेलिवरी ग्लैंड्स यहाँ रहती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कोई बहुत खट्टी चीज़ देख लें तो एकदम यहाँ पर दर्द सा होने लगता है, तो वो स्क्वीज करती है सेलिवरी ग्लैंड और बहुत सारा सलाइवा जो है हमारे मुंह में पहुँचा देती है।
जिसको हम कहते हैं राल, कोई बढ़िया चीज देखने पर बहुत सारी राल जो है हमारे मुंह में भर जाती है, जिसको कहते हैं राल टपकना, अच्छी चीजें देख के लालच आना। बह वो सलाइवा एक सलाइवरी ग्लैंड जो है एक्सेसरी ग्लैंड है। उसके बाद दूसरी एक्सेसरी ग्लैंड है जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो है लिवर। लिवर के बाद जो है वो लिवर में जो है वो बाइल बनता है। ये बाइल जो है ये गाल ग्लेडर में लाके जमा कर दिया जाता है, और फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। यानी फैट के डाइजेशन से पहले उसका इमल्शन तैयार करना होता है, तो उसके लिए बाइल लिवर से बाइल निकलकर गाल ग्लेडर में आता है, और गाल ग्लेडर से जैसी जरूरत होती है वहां से रिलीज किया जाता है, और फिर ये पहुंचता है आपके ड्यूडनम में, तो बाइल वहीं पर फैट के साथ मिल जाता है। उसके बाद तीसरी जो एक्सेसरी ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है वो पैंक्रियास है। यही ड्यूडनम के बीच में स्टमक के करीब वो रहते हैं पैंक्रियास, और पैंक्रियास जो है एक ड्यूअल रोल करने वाली एक ग्लैंड है। मतलब ये एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूसेस बनाती है और अपनी डक्ट के जरिए ड्यूडनम में पहुंचा देती है, और एंडोक्राइन पार्ट भी है इसमें जो जिसके बाद अपनी डक्ट्स तो नहीं है लेकिन हार्मोन सीक्रेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आपने सुना होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस में है। ये जो हार्मोन्स हैं ये सीक्रेट किए जाते हैं पैंक्रियास के जरिए। पैंक्रियास में भी एक क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको कहते हैं आइलेट ऑफ लांगरहांस। इसमें तीन तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा और गामा सेल्स, यही हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो एक तो हार्मोन है इंसुलिन जो हमारी शुगर या हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और एक हार्मोन है ग्लूकागॉन। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। अगर पैंक्रियास से बनाया हुआ इंसुलिन शुगर को ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर और मसल्स में स्टोर कराता है तो ग्लूकागॉन इसका एंटागोनिस्ट है, ये भी पैंक्रियाज में बनता है। तो जब जरूरत होती है तो इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ना, तोड़कर दोबारा से ग्लूकोज बनाना, ये काम है ग्लूकागॉन का। तो एंटागोनिस्ट है दोनों एक दूसरे के, जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन काम करता है और वैसे आमतौर पर इंसुलिन अपना काम करता रहता है। तो मेटाबोलिज्म ऑफ शुगर इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर वो स्टोरेज वाला मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है, स्टोर नहीं होती शुगर और फिर ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है, किडनी उसको फिल्टर आउट करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये शुगर जो है यूरिन के साथ बाहर जाने लगती है, और इसी से एक बीमारी का नाम सामने आता है वो है डायबिटीज मेलाइटस। The passage of sugar with urine, तो ये अच्छा संकेत नहीं, ये इंसुलिन की कमी या ना होने का संकेत है। तो बहर ये तीन ग्लैंड हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास, ये एक्सेसरी ग्लैंड के तौर पर काम।